डिस्प्ले कैटेगरी इन लेफ्ट साइड। तो ना एक हम कंट्रोलर बना लेते हैं इसके लिए। अब नाम ये डिसाइड करते हैं, CMS पेज कंट्रोलर। अब ये नाम ना जैसे बेसिक पेजेस होते हैं ना वेबसाइट का, होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, तो इस टाइप का पेज संभालने के लिए CMS पेज कंट्रोलर नाम से बना लेते हैं। तो एक HTTP कंट्रोलर्स के अंदर बना हुआ है ना हमारा, पहले से हमने बना रखा है। तो उसके अंदर ना ये मॉडल फाइल कॉल करते हैं, मॉडल यूज एप स्लैश कैटेगरी। तो कैटेगरी मॉडल कॉल हुआ, ये प्रोडक्ट मॉडल कॉल हुआ। यहाँ पे ना एक्सेस करेंगे कैटेगरी का डेटा और प्रोडक्ट्स का, ऐसे लिख कर देखे तो कैटेगरी इज इक्वल टू मॉडल कैटेगरी और ऑर्डर बाय करना है, ऑर्डर बाय टाइटल रखना है, तो टाइटल और असेंडिंग लास्ट में गेट। ऐसे प्रोडक्ट्स निकालते हैं, प्रोडक्ट्स मॉडल का नाम प्रोडक्ट, ऑर्डर बाय लेटेस्ट दिखाते हैं, तो क्रिएटेड एट में डिसेंडिंग करेंगे तो लेटेस्ट आएगा। ये दोनों को हम पास करते हैं। ये लास्ट टाइम जो हमने भेजा था यूजर, ये टेस्टिंग था हमारा, इसको हटा देते हैं। कैटेगरीज हो गया, सही प्रोडक्ट्स। हमने इंडेक्स फंक्शन में क्या किया कि कैटेगरी एक्सेस किए, प्रोडक्ट एक्सेस किया और पास कर दिया व्यू में, कैटेगरीज प्रोडक्ट्स। अब व्यू फाइल में चलेंगे, ऐसे कोडिंग था नोट में। कैटेगरी डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी बनाएंगे, रिसोर्सेज इंक्लूड्स में, रिसोर्सेज के अंदर यूज होगा। रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, इंक्लूड्स में, इसमें बूट स्टेप का जो क्लासेज हैं उस फॉर्मेट में रख रहे हैं। डीप क्लास कार्ड बॉक्सेस टाइप का लेआउट आएगा, इसका हेडिंग ये हो गया। और डीप क्लास लिस्ट ग्रुप में के अंदर हमने लूप चलाया है, कैटेगरीज एज कैटेगरी और उसका नाम और लिंक आ गया, कैटेगरी स्लैश उसका आईडी। अब ये फाइल हमने इंक्लूड में रखा कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगा ना वहाँ हम इस फाइल को कॉल करेंगे तो कैटेगरी का लिस्टिंग आ जाएगा, इसलिए इंक्लूड में रखा। ये बार बार यूज होगा। अब इंक्लूड में ही बनाते हैं रिसोर्सेज भी उसके अंदर, प्रोडक्ट लूप डॉट ब्लेड पी एच पी। इसमें बेसिकली ना हम एक प्रोडक्ट जो आइटम है ना उसका हम रख रहे हैं, फॉर इच लूप चल रहा है ना, तो एक प्रोडक्ट में, ये तो मल्टीपल हो गया। तो जहाँ भी हमें लिस्टिंग चाहिए ना प्रोडक्ट का, वहाँ ये फाइल को हम कॉल करेंगे। डीप क्लास कॉल MD3 box 6 सेपरेट क्लास पास किया है, इसको आउटपुट में देखेंगे यूज पड़ेगा। तो फिर यहाँ प्रोडक्ट का नाम हो गया, कॉस्ट हो गया, लिंक हो गया, प्रोडक्ट स्लैश उसके आईडी में। तो अब जो मेन है हमारा इंडेक्स प्लेट PHP रिसोर्स व्यू के अंदर, उसमें जाएंगे। पहले से वहाँ पे कुछ था, ये हमने टेस्टिंग किया था, हेड सेक्शन में JS भेजना, कंटेनर को एम्प्टी करता हूँ। अब यहाँ ना वो दोनों फाइल को कॉल करेंगे, ये क्लास रॉ कॉल MD3 के अंदर कैटेगरी, समझ आ रहा होगा कि लेफ्ट साइड में कैटेगरी लिस्टिंग,
कॉल MD9 के अंदर लेटेस्ट प्रोडक्ट हेडिंग हो गया, फिर डीप क्लास रॉ में वो लूप वाला, ये प्रोडक्ट लूप। अब इसको ओपन करके टेस्ट कर सकते हैं। नाम एक बार देखते हैं, कॉलम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी ऑर्डर बाय टाइटल। नेम नाम कंट्रोलर में जाते हैं, ऑर्डर बाय जो मैंने टाइटल टाइटल लिखा है ना, ये नेम होगा। यहाँ देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में कैटेगरीज आ गया और राइट साइड में लेटेस्ट प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आ गया। कोई डाउट नहीं होगा इसमें। यहाँ कुछ एक ना लिमिट होता है, लिमिट नहीं, सॉरी एक सेकेंड, प्रोडक्ट ऑर्डर बाय हो गया, लिमिट नाम ही होना चाहिए। जैसे एक करता हूँ, एक ही आना चाहिए, सही हूँ। टॉप 10 अगर दिखाना है ना, तो 10 करके रख दीजिए, जब प्रोडक्ट बढ़ेगा तब भी ये 10 ही आएगा। तो ये टॉपिक हो गया, इसका नाम था लेफ्ट साइड में हमें कैटेगरी दिखाया और लेटेस्ट प्रोडक्ट दिखाया हमने। अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा ना, ये जो अभी लिंक मैंने दिया था कैटेगरी स्लैश आईडी में, हाँ ये वाला खुलवाएंगे नेक्स्ट नोट्स में। कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट लिस्टिंग में इसको हम बोलते हैं कि कैटेगरी को क्लिक करेंगे तो उसका प्रोडक्ट्स आएगा। तो ऐसे सोचिए कि इसको लिंक को हमें खुलवाना है, तो पहला काम तो राउट का है ना, ये क्योंकि पेज जो खुलवाना है हमें यूआरएल से, तो राउट का होना चाहिए। तो राउट में जाएंगे और ये डालेंगे, फ्रंट एंड का पार्ट है तो इधर डाल सकते हैं, एडमिन को नीचे भेजते हैं। कैटेगरी स्लैश सी आई डी, देखिए जब भी हमें आईडी लेना हो ना, तो ये फॉर्मेट होता है, कर्ली ब्रेसेस दिया और नाम दिया जैसे सी आई डी। अगर दूसरा आईडी भी लेना है, मतलब आईडी ही जरूरी नहीं, कोई पैरामीटर लेना है यूआरएल में, तो उसका नाम हो गया, जैसे स्लग का भी बाद में चाहिए होगा, मतलब जितने भी आपको चाहिए ना यूआरएल में, यहाँ पे कैटेगरी स्लैश अलग अलग आईडी भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है, कुछ भी। तो ऐसे स्लैश स्लैश करके उसको कर्ली ब्रेसेस में दे सकते हैं। अभी हमें सिर्फ ये चाहिए सी आई डी। तो जब भी इस रूल से कोई मिलेगा ना यूआरएल में, तो ये कैच कर लिया गेट मेथड से मिलेगा तो, और इसको भेजा कैटेगरी कंट्रोलर का प्रोडक्ट्स ऑफ कैटेगरी, ठीक है। तो ये कंट्रोलर अभी नहीं है हमारे पास, ये HTTP कंट्रोलर्स में नहीं है, इसको बनाएंगे। यहाँ देखिए मॉडल कॉल होगा कैटेगरी का, फिर प्रोडक्ट का, क्लास का नाम कैटेगरी कंट्रोलर, जो फाइल का नाम है, फंक्शन ये हमने डिसाइड किया था प्रोडक्ट ऑफ कैटेगरी, और जो हमने राउट से यहाँ लिया है ना, ये सी आई डी, और ये फंक्शन में भेजा था, तो डायरेक्ट ये फंक्शन में ना एज ए पैरामीटर वो मिल जाता है यहाँ पे। अगर सेकेंड कुछ भेजते हैं ऐसे स्लैश एग्जाम्पल की यू आई डी, तो यहाँ पे ना ऐसे कॉमा करके डॉलर यू आई डी मिल जाएगा। और ये ऐसा भी नहीं है कि जो यहाँ मैं नाम लिखूँ ना सी आई डी, वही नाम यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ,
ABC ID अपनी चॉइस से, बस पोजीशन होता है ना रियल, हाँ जी ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट फर्स्ट वाले में पास होगा, सेकंड सेकंड वाले में पास होगा। तो ये डायरेक्ट आ गया यहाँ पे, तो कैटेगरीज कैटेगरी ऑल लिखा हमने, ऑल में कोई कंडीशन नहीं पास हुआ है, तो ऑर्डर वाइज भी लगा देते हैं, ऑल हटा कर गेट वाले टेक्निक से। ऑर्डर वाइज नेम था, अब प्रोडक्ट्स में देखिए वेयर लगा हुआ है ना, प्रोडक्ट वेयर CID डॉलर CID, जो URL में आ रहा है वहाँ पे, जो फंक्शन के पैरामीटर में आ गया, मतलब इसी CID का प्रोडक्ट निकालेगा और वो पास कर दिया। व्यूज देखिए, प्रोडक्ट्स डॉट लिस्ट, मतलब ना रिसोर्सेज व्यूज के अंदर प्रोडक्ट्स फोल्डर बनेगा और उसके अंदर लिस्ट डॉट ब्रेड PHP फाइल बनेगा। ये हमने थोड़ा ऑर्गेनाइज करने के लिए ना फोल्डर में भेज रहे हैं, ये तो आपको लग रहा है तो यहाँ भी पास कर सकते हैं। अगर ई कॉमर्स की सिर्फ वेबसाइट है, ई कॉमर्स का फाइल बनेगा, तो यहाँ भी प्रोडक्ट लिस्ट वाला कोई नाम देकर वहाँ भेज सकते हैं। नोट्स से मैंने ऐसे रखा है, तो इस तरीके से फॉलो करते हैं। क्रिएट अ फोल्डर प्रोडक्ट्स, उसके अंदर लिस्ट डॉट ब्रेड PHP, अब एक चीज है ना कि ये जो अभी बनने वाला है ना लिस्ट डॉट ब्रेड PHP, ये बिल्कुल ना होम, ये जो इंडेक्स ब्लेड फाइल है ना इसका कॉपी है बिल्कुल, क्योंकि इसमें भी लेफ्ट साइड में कैटेगरी चाहिए और राइट साइड में प्रोडक्ट चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स को कॉपी करके प्रोडक्ट्स फोल्डर में डालकर नाम चेंज कर देता हूँ, जो इंडेक्स में था वही है देखिए, बस इसका लॉजिक बदल रहा है ना, डेटा पास होने वाला। होम पेज में एक बार जाते हैं और मोबाइल में क्लिक करता हूँ, ये दोनों मोबाइल हैं इसलिए आ रहा है, ऑटोमोबाइल में नहीं है हमारे पास, मतलब CID जो 2 है ना, 2 वाले में प्रोडक्ट नहीं होगा, ये नहीं है ना, ये एक और कोई कैटेगरी में डाल देता हूँ ताकि पता हो। कंप्यूटर कैटेगरी हो गया, नाम हमने वो कभी टेस्ट करने के लिए किया होगा, कैटेगरी का रीनेम कर देते हैं कंप्यूटर ABC को सिर्फ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में भी अब आएगा, आ रहा है ना अभी डाला था। अब जिसमें नहीं है ना वहाँ पे बेटर है कि एक मैसेज आ जाए नॉट फाउंड का, तो ये चीज़ जो है प्रोडक्ट लूप में जाते हैं, एट द रेट इफ, रेट एल्स, एट द रेट एंड इफ, तो इफ में अभी कंडीशन पास करूँगा, ये जो डॉलर प्रोडक्ट्स हैं काउंट ग्रेटर 0, अगर प्रोडक्ट्स में 0 से ज़्यादा होगा तो लूप चलेगा हाँ जी और नहीं तो मैसेज आएगा कि सॉरी नो प्रोडक्ट फाउंड। आ रहा है मैसेज हाँ जी सॉरी नो प्रोडक्ट फाउंड, इसमें तो नहीं आएगा क्योंकि प्रोडक्ट है, मोबाइल में भी प्रोडक्ट है तो आ रहा है। तो एक बार समरी करते हैं, सभी फाइल बंद करता हूँ,
देखिए रिक्वायरमेंट था ना पहले कि होम पेज में ये लेफ्ट साइड में कैटेगरी है, राइट साइड में प्रोडक्ट है, फिर क्लिक करने के बाद भी जो कैटेगरी में क्लिक कर रहे हैं उसी का प्रोडक्ट है ना। अब क्योंकि ई कॉमर्स में मैक्सिमम पेजेज में कैटेगरी का जरूरत पड़ेगा लेफ्ट साइड में, अब प्रोडक्ट लिस्टिंग में, तो हमने क्या किया कि इंक्लूड्स में रखा कि इंक्लूड करेंगे इन फ्यूचर कैटेगरी और प्रोडक्ट लो। तो होम पेज में हमने ऐसा किया कि लेफ्ट साइड में कैटेगरी वाला इंक्लूड फाइल को कॉल किया और राइट साइड में प्रोडक्ट लूप वाला, और क्लिक करके जो खोलने वाला जो है ना उसके लिए भी हमने क्या किया कि प्रोडक्ट्स के अंदर लिस्ट वाले ब्रेड में सेम इंडेक्स वाला ही है, क्योंकि इसमें भी कैटेगरी खोलेगा प्रोडक्ट खोलेगा, बस जो खोलने वाला कंट्रोलर है उसका लॉजिक बदल रहा है। ये लॉजिक है ना, और होम पेज में जो खुलवा रहा था ये प्रोडक्ट भेज रहा है कि सभी टॉप 10 बोल सकते हैं, क्रिएटेड ए डिसेंडिंग लिमिट 10 मतलब लेटेस्ट 10 प्रोडक्ट भेजा होम पेज में, और इसने क्या किया कि जो CIDR है ना कैटेगरी आईडी उसी आईडी वाला प्रोडक्ट्स निकाल कर भेजा, तो ये लॉजिक बदल रहा है और डिस्प्ले करने का फाइल कोडिंग वैसा ही है। क्लियर है ना? अब इसी टॉपिक में आगे बढ़ेंगे अभी। ये देखिए पेजिनेशन मैंने पहले ही बताया था कि लेरेवल में ना पेजिनेशन यूज करना बहुत इजी होता है, उसको आज करके देखेंगे। तो पेजिनेशन हम चाहते हैं लगाना, एक तो होम पेज है हमारे पास और एक कैटेगरी का लिस्टिंग पेज है, तो होम पेज में ही टेस्ट करते हैं। तो होम पेज का कंट्रोलर फाइल खोलते हैं, एक सेकेंड, नोट्स मैंने ओपन किया। ये है ना, ये हम चाहते हैं प्रोडक्ट्स में पेजिनेशन रहे, तो इजी है, ये गेट की जगह ना पेज यूनिट लिख देंगे, ठीक है, और पर पेज में कितना चाहिए। तो अभी प्रोडक्ट कम है ना तो मैं टेस्ट करने के लिए 1 रखता हूँ, और प्रॉपर वेबसाइट में प्रोडक्शन लेवल में 20 दे सकते हैं या 10 दे सकते हैं। अभी 1 दिया मैंने, अब इंडेक्स में जाते हैं, रिसोर्सेज व्यूज इंडेक्स, ये रहा जहाँ प्रोडक्ट लूप आ रहा है। कॉल MD9 यहाँ क्लोज हो रहा है ना, यहाँ देते हैं, ये जो पास हो रहा है ना प्रोडक्ट्स में पास हो रहा है ना ये सब चीजें, तो प्रोडक्ट्स और लिंक्स बस इतना ही। टेस्ट करते हैं, देखिए आ गया ना पेजिनेशन। अब सेकेंड पेज में क्लिक करता हूँ, यहाँ URL में देखिए क्वेश्चन मार्क पेज इक्वल टू 2, सेकेंड वाला प्रोडक्ट आ रहा है रेडमी नोट 6, थर्ड में क्लिक करता हूँ देखिए थर्ड प्रोडक्ट आ रहा है। इजी है पेजिनेशन करना, इससे इजी हो भी नहीं सकता, मतलब ये सेंसिबल है कि पेजिनेट कितना चाहिए, जैसे 2 किया, और जो व्यू फाइल में भेज रहे हैं ना उस व्यू फाइल में जिस नाम में हमने भेजा वो ऑब्जेक्ट लिखा और लिंक्स मेथड कॉल कर दिया, अभी 2 2 का आएगा, ये 2 आया। इजी है, बट अगर मैं मोबाइल क्लिक करूँगा तो उस पेज में पेजिनेशन अभी नहीं है, क्योंकि वो तो अलग कंट्रोलर खोल रहा है, अलग फंक्शन खोल रहा है। कैटेगरी को मोबाइल क्लिक किया ना, मोबाइल क्लिक किया, अब मैं चाहता हूँ यहाँ एक एक आए, तो इसका कंट्रोलर तो दूसरा वाला है, ये था कैटेगरी कंट्रोलर, तो बस हमें यहाँ करना होगा उसके लिए पेजिनेट, यहाँ टेस्ट करने के लिए 1। अब लिस्ट में जाते हैं, उसका व्यू फाइल यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स के अंदर लिस्ट, रिसोर्स व्यूज प्रोडक्ट्स लिस्ट,
वैसा ही करेंगे, सॉल्वर प्रोडक्ट्स लिंक्स, यहाँ भी आने लगे। तो पेजिनेशन काफ़ी इजी है लैरेवल में, इनबिल्ट सभी कर दिया है। तो ये टेस्ट हो गया हमारा, तो अभी मैं टेन कर देता हूँ यहाँ भी और कैटेगरी में भी। अब नेक्स्ट में इसी में एक चीज़ होगा, जैसे ना मैंने ये इंटेक्स कंप्यूटर का डिटेल पेज खुलवाना है ना, डिटेल पेज होना ही चाहिए। ये तो लिस्टिंग था, समरी था, तो डिटेल पेज खुलवाने का टॉपिक अभी करते हैं। क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिटेल पेज, ये वाला, इसमें सोचिए क्या क्या होगा। लेकिन राउट तो चाहिए है ना, राउट चाहिए, फिर वो राउट कंट्रोलर का फंक्शन में भेजेगा, उसके बाद व्यू में भेजेगा। तो राउट फाइल में ये डालते हैं। प्रोडक्ट स्लैश पीआईडी लिया हमने पैरामीटर, इसको भेजा हमने कैटेगरी कंट्रोलर, वही कंट्रोलर में भेजा क्योंकि सिंपल सा काम है, डिटेल पेज दिखाना है। और फंक्शन का नाम हमने रखा प्रोडक्ट डिटेल्स। अब ये फंक्शन बनेगा कैटेगरी कंट्रोलर में, इसमें यहाँ पे आते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल्स, और जो पास किया था ना यहाँ पे पीआईडी, ये हमने रखा यहाँ पे पैरामीटर प्रोडक्ट फाइंड डॉलर पीआईडी। ऐसे मैंने बताया था MySQL में इसका, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर पीआईडी डॉलर पीआईडी, ये सेंस है। तो इसी पीआईडी का प्रोडक्ट उठाया और ये एक ही रिजल्ट आएगा क्योंकि एक पीआईडी का एक ही प्रोडक्ट होता है, उसको प्रोडक्ट में रखा और प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट डिटेल ब्लेड व्यू फाइल में भेजा। ये फोल्डर है, ये भी फाइल है प्रोडक्ट नाम में। अब प्रोडक्ट डिटेल्स बनेगा रिसोर्सेज व्यूज प्रोडक्ट्स के अंदर, यहाँ पे ये नाम भी लगाएंगे, डॉट ब्लेड डॉट php। लेआउट मास्टर ये सब पता ही है। पेज टाइटल में हमने प्रोडक्ट की टाइटल पास किया, हेडिंग में अभी नहीं पास किया है, देखता हूँ पेज हेडिंग में। कंट्रोल कंटेनर में हमने भेजा डी प्लस रॉ कॉल MD4, लेफ्ट साइड में मतलब प्रोडक्ट का इमेज पास किया, कॉल MD राइट साइड में टाइटल आ गया, बॉडी आ गया, कॉस्ट और मॉडल नंबर आ गया। समझ आ रहा हो गया? हाँ इसको चेक कर सकते हैं, आउटपुट देख सकते हैं, रॉट है, कंट्रोलर के अंदर फंक्शन है, व्यू भी हो गया। मैंने लिखा है कि नाउ क्लिक ऑन एनी प्रोडक्ट टू चेक द प्रोडक्ट डिटेल पेज, नोट यू शुड हैव प्रोडक्ट लिंक। तो ये पहले से लिंक था हमारे पास, मैंने डाला था, जैसे इसको क्लिक किया आ रहा है, बैक गए, इसको क्लिक किया आ रहा है। तो ये डिटेल हो गया। एक बार समरी करते हैं कि ये राउट हमने डिक्लेयर किया राउट फाइल में, प्रोडक्ट स्लैश पीआईडी, और भेजा कैटेगरी कंट्रोलर का प्रोडक्ट डिटेल में, कैटेगरी कंट्रोलर का प्रोडक्ट डिटेल्स। तो जो आईडी हमने पास किया वहाँ पैरामीटर में आ गया, उसी वाला आईडी का हमने प्रोडक्ट निकाला और प्रोडक्ट डिटेल्स में भेज दिया। अब प्रोडक्ट डिटेल्स में ये सब क्लियर है, इमेज आ गया कॉल MD4 ये लेफ्ट साइड में, फिर इधर टाइटल डिस्क्रिप्शन कॉस्ट मॉडल। अब यहाँ पेज टाइटल नहीं लिखा होगा ना मैंने, ताकि वो अलग से ऊपर दिख जाएगा, इधर देखिएगा यहाँ आ गया।
तो अगर यहाँ दिखाना है तो इस टाइटल को हटा देंगे, तो ये डिज़ाइन में उतना सही नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ टाइटल रखा और वहाँ से एम्प्टी कर दिया। क्लियर है ये प्रोडक्ट डिटेल्स। अब लेरेवल रूल से लग रहा है ना, इजी है, बस एक बार इनका फॉर्मेट माइंड में आ जाए, फ्लो है ना आर्किटेक्चर, तो ये काफ़ी सारा चीज़ हमने अभी कर लिया। ये क्लास पास नहीं हो रहा है, देखता हूँ। ये लेटेस्ट पोस्ट स्टैम्प 4 है, तो इमेज फ्लूड नाम से इसमें क्लास होता है, अब से ही 100% में रह रहा है। इसके बाद ना एक इसी का टॉपिक आएगा, जैसे नॉर्मल पीएचपी में इनर ज्वाइन करके दो टेबल से डेटा हम फेच करते हैं ना, ठीक है। तो अभी हम एक हमें नीड है एग्जांपल के लिए, समझिए कि ये जो प्रोडक्ट है ना ये किस कैटेगरी का है, हम उसका ना नाम दिखाना चाहते हैं यहाँ पे। फिर से समझिए कि ये प्रोडक्ट सपोज सैमसंग गैलेक्सी किस कैटेगरी का है, वो कैटेगरी का नाम दिखाना चाहते हैं। तो नॉर्मल पीएचपी में हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट टेबल और कैटेगरी टेबल में इनर ज्वाइन करते हैं, है ना, ज्वाइन करते हैं और फिर दिखाते हैं। और अगर लेरेवल का रूल फॉलो करना है तो उससे भी इजी है, मॉडल रिलेशन कहते हैं कि कौन सा मॉडल किस दूसरे मॉडल से किस रूल से रिलेटेड है। समझ वो रिलेशन हमें डिफाइन करना होगा मॉडल में। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ प्रोडक्ट डॉट पी एच पी में, ये मॉडल है यहाँ पे, ऐसे समझिए कि ये जो सी आई डी कॉल आई डी ये सब फॉरेन आई डी है ना, ये फॉरेन आई डी है। तो जितना आप फॉरेन आई डी यूज करेंगे ना वो सबका आपको रिलेशन बताना होगा दूसरे मॉडल से, इस टाइप से। देखिए कि फंक्शन कैटेगरी, हम ये समझ रहे हैं कि कैटेगरी जो है ना प्रोडक्ट में कैटेगरी कहाँ से आ रहा है। तो हैज वन यहाँ ना बिलोंग्स टू करते हैं, बिलोंग्स टू मतलब कि प्रोडक्ट मॉडल में कैटेगरी यहाँ से आ रहा है, एफ स्लैश कैटेगरी यहाँ रिलेटेड है ये कैटेगरी मॉडल में। अब जिसका फॉरेन की या फॉरेन आईडी कहिए सी आईडी है, ठीक है। और सेकेंड वाला पैरामीटर हो गया ना लोकल की मतलब प्राइमरी की। तो ये देखिए कि यहाँ जो सी आई डी है ना और कैटेगरी टेबल में जो प्राइमरी आई डी है वो सेम है, तो फॉरेन की में भी सी आई डी है और लोकल की में भी सी आई डी है। कैटेगरी मॉडल खोल कर देखिए, है ना, प्राइमरी आई डी सी आई डी है और प्रोडक्ट मॉडल में भी सी आई डी है, इसलिए दोनों। अब क्या कर सकते हैं हम, जब भी हमें प्रोडक्ट एक्सेस कर रहे हैं ना जहाँ, वहाँ अगर मैं कैटेगरी मेथड कॉल करूँ, ऐसे प्रोडक्ट डिटेल्स में मैं गया, कैटेगरी में मैंने लिखा डॉलर प्रोडक्ट, अभी तो अभी उसको यूज नहीं करते, अभी जो सीआईडी में देखता हूँ ये तो नॉर्मल है ना, प्रोडक्ट टेबल में जैसे कॉलम में कॉस्ट मॉडल वैसे सीआईडी भी है, यहाँ आएगा सी आई डी। अब मैं चाहता हूँ कि कैटेगरी का नाम आए, तो यहाँ मैं लिखूंगा कैटेगरी। अब यही नाम क्यों लिखा ना, क्योंकि प्रोडक्ट मॉडल में फंक्शन का नाम दिया था ना कैटेगरी, इसलिए यहाँ कैटेगरी आया। अब इसके बाद मतलब आप कैटेगरी टेबल में जा चुके हैं, अब क्या निकालना है, तो नेम। इजी था ना, तो एक बार मॉडल में रिलेशन हम ऐसे डिक्लेयर कर देंगे, कलर के लिए भी करना है तो फंक्शन का नाम कलर हो गया, मॉडल हो गया कलर, कॉल आईडी यहाँ नाम है कॉल आईडी और
कॉलर टेबल में भी नाम है कॉल आईडी। तो अब कलर मुझे निकालना होगा, लाइन ब्रेक यहाँ डालते हैं। ये हो गया कलर नेम। और देखिए अगर मैं इसको नाम चेंज करूं, जैसे एबीसी नाम करूं, तो अब तो ये कैटेगरी नहीं मिलेगा ना, ये नाम एरर आएगा। और तो एबीसी लिखूंगा तब आ जाएगा, मतलब फंक्शन का नाम जो है ना उसी नाम से निकलेगा। ये समझ रहे हैं कि कैटेगरी नाम अपने आप नहीं कहीं जा रहा है कैटेगरी मॉडल में या टेबल में, हमने प्रोडक्ट मॉडल में जो नाम लिखा है ना फंक्शन में रिलेशन डिक्लेयर करने के लिए, उसी फंक्शन के थ्रू निकलेगा। तो ज्वाइनिंग करना क्वेरी उससे तो इजी है ना, क्लियर चीज है। मॉडल फाइल में जो जो फॉरेन आईडी है वो सबका फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे, ताकि जहाँ जहाँ भी हमें निकालना पड़े तो बस ऐसे करके निकाल लेंगे। तो अभी तक हमने ये सब किया है, लेफ्ट साइड में कैटेगरी दिखाया, फिर प्रोडक्ट, फिर कैटेगरी क्लिक करने से प्रोडक्ट डिस्प्ले होना, फिर पेजिनेशन और प्रोडक्ट का डिटेल पेज, फिर ये मॉडल रिलेशन किया ताकि हम दूसरे टेबल का भी डेटा हम एक्सेस कर पाए जो रिलेटेड है, फॉरेन की से रिलेटेड है। तो आज इतना ही रखते हैं।